फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। किसान मार्च के मद्देनजर गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए स्पेशल सीपी अजय चौधरी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जॉइंट सीपी सागर सिंह कलसी और पूर्वी दिल्ली जिला के तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद अजय चौधरी ने बताया कि किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आने का कोई इनपुट नहीं मिला है। लेकिन इसके बावजूद एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी है। लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए NH-24 और दिल्ली मेरठ हाईवे को बंद नहीं किया गया है। इस पर दोनों तरफ से ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रही है। अभी हम लोग भी हम लोगों ने इनके आन लगने किसी भी संभावित हमारी कोशिश ये है कि किसी को भी असुविधा ना हो, जरूर से चलता रहे और किसी भी परिस्थिति में कोई हिंसा की वारदात ना हो, उससे बचने के लिए एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। सर, शंभू बॉर्डर पर वहाँ पर थोड़ा पैनिक देखने को मिला, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं किसानों को पीछे करने के लिए, उसके बारे में संबंधित अधिकारी आपको जानकारी देंगे। यहाँ इस पॉइंट पर जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर है, यहाँ सारी चीज़ें शांतिपूर्ण हैं और ट्रैफिक व्यवस्था। सर, क्या इनपुट मिला है? सर, यहाँ भी किसान आ सकते हैं? तो हम ये मानकर चलिए सब कुछ अंडर कंट्रोल है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली आप यहाँ पर हैं, सब कुछ अंडर कंट्रोल है और लोगों की आवाजाही की तरफ से और दिल्ली की तरफ से सुचारू रूप से हो रही है। सर, क्या पश्चिम के किसान भी यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा कुछ इनपुट मिला है क्या? नहीं, ये जानकारी भी मेरे पास नहीं है। अगर कोई सूचना इस तरह की मिलती है तो आप लोग।